व्हाट इज इम्पोर्टेंस, नपुंसकता क्या है? अगर पुरुष के लिंग में ठीक तरह से सहवास के दौरान तनाव नहीं आता है, या अगर तनाव आ भी गया है तब भी वो सही तरीके से संभोग कर ही नहीं पाता है, क्योंकि उसका लिंग कुछ सेकेंड्स के बाद या कुछ मिनट के बाद ढीला पड़ जाता है, या अगर उनका जो वीर्य है वो निकलता नहीं है, और अगर निकल भी जाता है यानी कि अगर वो डिस्चार्ज हो भी जाते हैं तो वो प्रॉपरली नहीं होते हैं, पर्याप्त तरीके से उनका जो वीर्य है वो नहीं निकलता है, तो ऐसी समस्या को नपुंसकता कहा जाता है। नपुंसकता या इम्पोटेंसी को आजकल इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी बोलते हैं। तो देखा जाए तो नपुंसकता होने के पीछे का जो सबसे बड़ा कारण होता है कि वो जो पुरुष होता है वो सेक्स में अपने साथी को खुश करने का जो उसके दिमाग में जो प्रेशर होता है, जो दबाव होता है, जब आप सेक्स कर रहे हैं, सेक्स के दौरान आपको हमेशा परफॉर्मेंस की चिंता लगी रहती है, और यही नपुंसकता का सबसे बड़ा कारण भी बनता है। यानी उसके दिमाग में बस यही चलता है कि मैं अगर अपने साथी को खुश ना कर पाया तो, मैं उसे सेटिस्फाई नहीं कर पाया तो खुद को साबित करने की जो टेंशन उनके दिमाग में रहती है, इस टेंशन की वजह से उनके लिंग में तनाव ही नहीं आता है, और इस वजह से आपके लिए मुमकिन नहीं हो पाता है कि आप हर बार अपने साथी को खुश कर सकें, उनको सेटिस्फाई कर सकें। ऐसी सिचुएशन में आप अपने साथी से बात करें और इसके उपायों के बारे में सोचें। इसके अलावा नपुंसकता के जो दूसरा कारण होता है वो है तनाव, जैसे कि मैंने कहा, लिंग का आकार या लिंग से जुड़ी कोई दूसरी समस्या। अगर आपका लिंग छोटा है, पतला है, तो ये भी नपुंसकता की समस्या की जड़ बनती है। आपका अपने पार्टनर को सेक्स का सुख ना देने पाने में असमर्थ होना, बहुत ज़्यादा अगर आप नशा करते हैं, धूम्रपान करते हैं, तो इससे आपके शरीर में कमजोरी पैदा होती है, आपका लिंग तनाव में नहीं आता है। इसके अलावा आप जो खान पान है उसमें पोषण की कमी, आपको ताकत ही नहीं मिलती, आपको एनर्जी नहीं मिलती जो आप खाते हैं। और ये डिपेंड भी करता है पर्सन टू पर्सन कि किस पुरुष को नपुंसकता की समस्या किस वजह से है। पर आप नपुंसकता की समस्या को कुछ खास एक्सरसाइजेस के थ्रू, कुछ खास व्यायाम के थ्रू दूर भी कर सकते हैं, जैसे पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज हो गई या कीगल एक्सरसाइज हो गई। ये एक्सरसाइजेस आपके लिंग में खून का जो संचार होता है उसको बढ़ाने के जिम्मेदार जो मांसपेशियां होती हैं, जो नसें होती हैं, उनको मजबूत करती है, तब आपके जननांगों में खून का संचार बेहतर होता है इन एक्सरसाइजेस के थ्रू। इसके अलावा आप रोज़ाना कुछ जड़ी बूटियों का इस्तेमाल कर सकते हैं नपुंसकता की समस्या से छुटकारा पाने के लिए, जैसे कि आप सफ़ेद मूसली ले लें, काली मूसली ले लें, अश्वगंधा ले लें, कोच के बीज ले लें आप। ये सभी बहुत ही खास जड़ी बूटियाँ हैं जो आपकी सिर्फ नपुंसकता की समस्या को ही दूर नहीं करती हैं, बल्कि आपके जो भी गुप्त रोग होते हैं उन्हें भी दूर करने में ये मदद करती हैं। इसके अलावा मैं आपको एक बहुत ही आसान सुरक्षित तरीका बता रही हूँ जो आपकी नपुंसकता की समस्या को, आपके लिंग में तनाव ना आने की समस्या को, साथ ही वीर्य में अगर आपको पतलेपन की शिकायत है, वीर्य शुक्राणु की संख्या में कमी है, तो ये जो नुस्खा मैं आपको बता रही हूँ ये आपके इन सभी कमजोरियों को दूर करता है। ये 100% हर्बल है, 100% सेफ है, ये GMP और IOC सर्टिफाइड है, ये टेस्टेड है, क्लिनिकली अप्रूव्ड सप्लीमेंट है, जो है हर्बल मज़ा का स्टेमिनल प्रो के नाम से। ये आपको वो सब देता है जो आपके अच्छे यौन जीवन की शुरुआत के लिए ज़रूरी है, आपके वैवाहिक जीवन के लिए ज़रूरी है। यानी ये आपकी हर तरह की यौन कमजोरियों को दूर करता है, और आपकी जो सेक्स लाइफ है, जैसे कि अगर आपको नपुंसकता की समस्या है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन की समस्या है, प्रीमैच्योर इजैकुलेशन की समस्या है, शुक्राणु की संख्या में कमी है, वीर्य की क्वालिटी अगर अच्छी नहीं है, कोई भी अगर आपकी यौन समस्या है, तो इसमें मिलाई गई जड़ी बूटियां आपकी हर एक तरह की यौन कमजोरियों को दूर करती है, वो भी कुछ ही दिनों में। अगर आप इसके बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं या अगर आपको ऑर्डर करना चाहते हैं तो आप इसे कॉल या व्हाट्सएप के थ्रू या फिर टेलीग्राम के थ्रू इसके बारे में ज़्यादा जान भी सकते हैं और इसको ऑर्डर भी कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप इसे डायरेक्ट परचेज करना चाहते हैं तो आप इसे एक वेबसाइट के थ्रू भी ऑर्डर कर सकते हैं, वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप चाहें तो इन्हीं नंबर्स पे अपनी सेक्सुअल प्रॉब्लम्स को भी शेयर कर सकते हैं और फ्री सेवा आपको दी जाएगी। उम्मीद है आपको हमारी आज के वीडियो से ज़रूर फायदे मिलेंगे। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर भी करें। धन्यवाद।